आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में 2 बजे मरकजी भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास में रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए हालात को रोकने के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज करने या हफ्ते के आखिरी दिन में कर्फ्यू नाफिज करने के बारे में गौर गौस किया जाएगा, खतई फैसला किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए तालीमी इदारों की तातीलत में 30 जनवरी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी ने सोमेश कुमार इस सिलसिले में ऐलान किया है। हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए तातीलत में इजाफा करने का फैसला किया है ताकि बच्चों को इस कोरोना के मर से बचाया जा सके। इंतजाम आसमानी सिटी ने 17 जनवरी तक 23 जनवरी तमाम कॉलेजों को तातीलत में इजाफा करने का ऐलान किया है। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र तातीलत में इजाफा किया गया है। तेलंगाना रियासत में आज कोरोना के 2047 केस दर्ज किए गए। 3 अफराद फौत हुए, 2013 मरीज सहतियाब हुए। जीएचएमसी में 1174, जिले मिर्चल में 178 केस, रंगारेड्डी में 140 केस शामिल है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 17 जनवरी को तमाम 36 एमएमटीएस की खिदमत को मनसूख करने का ऐलान किया। ट्रैक की देखभाल दीगर तामीरती कामों के बायस मनसूख किया गया, जिसमें लिंगमपल्ली तक हैदराबाद की 9 सर्विस, हैदराबाद तक लिंगमपल्ली के 9 सर्विस, फलकनुमा तक लिंगमपल्ली 8 सर्विस, लिंगमपल्ली तक फलकनुमा 8 सर्विस, सिकंदराबाद तक लिंगमपल्ली 1 सर्विस, लिंगमपल्ली तक सिकंदराबाद 1 सर्विस शामिल है। डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने आर्या नगर में वाक़ एक मकान का मुआयना किया। नामालूम अफराद ने मकान को आग लगा दी। डिप्टी मेयर ने मुतासिन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी हालत को देखकर माली इमदाद फराहम की। इंचार्ज टीआरएस असम्बली हल्के चारमीनार सलाउद्दीन लोधी ने आज खादीपुरा में टीआरएस की ऑफिस का अफ्ताह किया। पेश खिदमत है रिपोर्ट। टीआरएस पार्टी चारमीनार असम्बली हल्का शालीबंडा डिवीजन के अंदर आज डिवीजन का पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। मुबारकबाद देता हूँ। और जिस कास के लिए हम टीआरएस पार्टी का ऑफिस खोले तो हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए यहाँ पर कामाया नुमाया होना चाहिए। और इसके लिस्ट अगर आपको बोले तो मैं एक दो रोज में दे देता हूँ। लिस्ट भी है मेरे पास, आज शाम में आती है मेरे पास पार्टी ऑफिस से। कल ही बोला मैंने, वहाँ पर गया था तो आपको लिस्ट भी आया थी। लिस्ट में एक एक 96 स्कीम्स है सिटी के हदूद में जीएचएमसी के, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ अपने को भी नामा नहीं मालूम है उसके 96 के। तो अपन वो देख के जो स्कीमा छुपे हुए है उनको उजागर करके उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। हर टाइम एक एक डिवीजन के अंदर एक एक इशू के ऊपर अपन काम करेंगे उसके अंदर। तो मैं आप सब लोगों से ताऊन चाहता हूँ कि जब तक हम सब मिल के कोई काम ना करें जब तक हम कामयाब। मॉडल समीरा बेगम जिन्होंने सालगिरह 7 जनवरी को मनाई थी, वो अगले दिन इनके फ्लैट से बाहर नहीं निकली। पड़ोसियों को इनके फ्लैट से बदबू आने पर पुलिस को तला दी। ये वाकया चिंदलमेट के मुगल मीडोस अपार्टमेंट में पेश आया। पुलिस का अमला दरवाजा तोड़कर फ्लैट में दाखिल हुआ। पुलिस को इस नौजवान लड़की की लाश मशकूक हालत में मिली। मुतव की शनाख्त समीरा बेगम उर्फ रम खान उम्र 23 साल के तौर पर की गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल को मुंतकिल कर दिया। पुलिस तहकीकात कर रही है। सैयारा न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।